दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अभी तक हमने जो देखे वो हमेशा होते थे एक वेरिएबल के, यानी कि एक चर वाले समीकरण। लेकिन अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और चलते हैं दो चर वाले समीकरणों की तरफ। और दो चर वाले समीकरणों में जो समीकरण हमारे पास आ सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा 2x + 3y = 12। तो यहां देख सकते हैं दो चर मान हमारे पास मिलते हैं x और y। ये ऐसे, लेकिन ये केवल एक समीकरण है। और हम जो बात करने वाले हैं वो है समीकरणों का युग्म की। युग्म मतलब एक पेयर बने पूरा, एक समीकरण ये और इसके साथ साथ एक समीकरण ये भी हो, तो ये पूरा हम कहेंगे कि एक ये रैखिक, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का एक युग्म है। इस युग्म की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हमने देखा एक समीकरण, केवल एक समीकरण मानते हैं दो चर में। अगर हमने एक दो चर में एक समीकरण माना, तो क्या हम x और y का मान इस एक समीकरण की सहायता से निकाल सकते हैं? ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब दो चर मान किसी एक ही अचर मान पे निर्भर कर रहे हैं, दो चर मान एक ही अचर मान पे निर्भर कर रहे हैं, तो उन्हें निकालना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जैसे हम जानते हैं 3x = 18, हम आसानी से x बराबर 6 निकाल सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि 3x + y = 18, अब क्या हम निकाल सकते हैं x? नहीं निकाल सकते जब तक हमें y ना मिले। तो ऐसे हमें दो समीकरणों की आवश्यकता होती है, जो दोनों समीकरण एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ये दोनों समीकरण एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, ये दोनों समीकरणों की एक दूसरे पर कुछ निर्भरता है, और इस निर्भरता की सहायता से ही हम x और y दो समीकरणों के मान, दोनों समीकरणों से x और y दोनों चर के मान निकाल पाते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे इन चरों, दो चर वाले समीकरणों को निरूपित करने की आलेखीय विधि की तरफ। आलेखीय विधि में हम दर्शाते हैं कि किस प्रकार से हम इन दो चरों के एक समीकरण के युग्म को आलेख में दर्शा सकते हैं, और फिर किस तरीके से उस समीकरण का पूरा सॉल्यूशन, यानी कि उनका मान निकाल सकते हैं, उसका हल निकाल सकते हैं। हल कैसे निकल सकता है? सबसे पहले यह देखें कि हमारे पास दो समीकरण हो, a1x + b1y + c1 = d के है, या ये हो सकता है इसको हम जीरो के बराबर लेके चलेंगे, और ये ले लेते हैं a2x + b2y + c2 = 0। ये दो समीकरण हम लेकर चलते हैं। अब हमें निकालना है इसका हल। हल से हमारा मतलब है x और y का मान। अब x और y का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले इस समीकरण को, इस एक रैखिक समीकरण को आलेख में दर्शा देते हैं, जो हमें आता है कि एक रैखिक समीकरण को हम आलेख में कैसे दर्शा सकते हैं, फिर दूसरे रैखिक समीकरण को भी आलेख में दर्शा देते हैं, और फिर उस आलेख में देखते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध बनता है, और फिर इन दोनों के बीच में बनने वाले संबंध से हमें इसका हल मिल जाता है। अब वो हल कैसे मिलेगा? यदि कहीं पर मान ले कि इस पहले समीकरण का आलेख में ये रेखा बनती है, और दूसरे समीकरण के आलेख में ये रेखा बनती है, तो इन दोनों रेखाओं में हम देख सकते हैं कि ये इस बिंदु पर दोनों रेखाएं एक ही मान देती है, यानी कि इस बिंदु पर जाकर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर निर्भर हो जाती है, यानी ये दोनों समीकरण इस बिंदु पर निर्भर हो जाते हैं। तो यहां के इस बिंदु के निर्देशांक होंगे x और y होंगे, तो इस तरीके से हमें इस बिंदु के निर्देशांक मिल जाएंगे, और हमें इन दोनों समीकरणों का हल, यानी x का मान और y का मान, दोनों चरों का मान हमें मिल जाएगा। तो हम बनाते हैं एक आलेख, इसके लिए हमें उदाहरण